नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नरदे बडवाल और आपका स्वागत है मेरे चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग में। हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ हुंडई वेन्यू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हुंडई वेन्यू जिसे हुंडई बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाली है और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के जरिए कवर करने वाला हूँ इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स, डायमेंशंस के बारे में। सो गाइज, वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग को। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। हुंडई वेन्यू जो कि इंडिया की पहली मेड इन इंडिया सब कॉम्पैक्ट कनेक्टेड एसयूवी है, जिसे हुंडई ने पहली बार मुंबई से गोवा जाने वाली क्रूज शिप पर अरब सागर में सबसे पहले पेश किया है। हुंडई इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू को 21 मई 2019 को लॉन्च करेगी। वेन्यू की बुकिंग हुंडई के सभी डीलरशिप पे शुरू कर दी गई है। हुंडई वेन्यू का सीधा सीधा मुकाबला महिंद्रा की एक्सयूवी 300, मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा, टाटा की नेक्सॉन और फोर्ड की एको स्पोर्ट से होगी। कंपनी इसे क्रेटा के नीचे पोजीशन करेगी और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग होगी 7.9 लाख टू 11 लाख। इसके साथ ही हुंडई वेन्यू को 2019 न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में भी पेश किया गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। इसमें ब्रॉड हुंडई की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है जो कि इसके लुक को माचो बना देते हैं। साथ में इसके प्रोजेक्टर हेड डैम और उसके नीचे स्क्वायरस डे टाइम रनिंग लाइट दी गई है जो कि इसके लुक को चार चांद लगा देते हैं और इसके बोनेट पे क्रैक्टर लाइंस बहुत ही इसको शानदार बना देते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये बिल्कुल हूबहू मुझे क्रेटा जैसी लगी। इसे मिनी क्रेटा कहना उचित होगा। एक नज़र हम अगर इसके रूप पे डालें तो इसमें सनरूफ आपको प्रोवाइड की गई है जो कि टॉप एंड वेरिएंट में ही अवेलेबल होंगे और इसमें बहुत ही स्टाइलिश रूफ रेल्स दिए गए हैं जो कि इसके लुक को बहुत ही शानदार बना देते हैं। अगर हम इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो ये क्रेटा से बिल्कुल डिफरेंट है, जिसमें करेक्टर लाइंस दी गई है और इसमें एलईडी टेल लैंप्स बहुत ही शानदार और डिफरेंट बना देते हैं इसे। हुंडई वेन्यू की अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ 3995 mm, विड्थ 1770 mm, हाइट 1590 mm, व्हील बेस 2500 mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 200 mm होगी। कंपनी ने हुंडई वेन्यू को बनाने के लिए 69% एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया है। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दी गई है, जिसमें हुंडई की ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी दी गई है जो कि इनबिल्ट एंड टेम्पर प्रूफ डिवाइस होगी और इसमें वोडाफोन या आइडिया की ई सिम दी जाएगी और इसके साथ ही इसमें ग्लोबल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लाउड स्टोरेज वॉइस रिकॉग्निशन का प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा। हुंडई ब्लू लिंक एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है जिसमें से 33 फीचर्स इंडियन मार्केट के लिए पेश किए जाएंगे और इसमें से 10 फीचर्स ऐसे होंगे जो कि बहुत ही स्पेशल होंगे इंडियन मार्केट के लिए। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो हुंडई वेन्यू में टॉप एंड वेरिएंट में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स दे सकती है और इसके लोअर वेरिएंट में ड्यूल एयरबैग, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स दे सकती है। हुंडई वेन्यू 3 इंजन ऑप्शन के साथ आने वाली है। नंबर 1 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 110 bhp की पावर एंड 170 nm का टॉप प्रोड्यूस करती है। नंबर 2 1.4 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि 89 bhp की पावर एंड 220 nm का टॉप प्रोड्यूस करती है। नंबर 3 1.4 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 99 bhp की पावर एंड 132 nm का टॉप प्रोड्यूस करती है। हुंडई वेन्यू सेगमेंट की पहली ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी जिसमें 7-स्पीड ट्विन क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिए हुए हैं। ये थी दोस्तों हुंडई वेन्यू के कुछ अपडेट्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।